फ्रेंड्स, चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। आज हम ओरचा के इस फाइनल एपिसोड नंबर 6 में जानेंगे ओरचा के दूसरे बड़े व प्रसिद्ध मंदिर हनुमान जी के मंदिर छारदारी जी महाराज मंदिर के बारे में। वहां होने वाली हनुमान चालीसा का आनंद भी लेंगे। इससे पहले 5 एपिसोड में हमने ओरचा के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इन सभी जगहों के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर विस्तृत ब्यौरा देख सकते हैं। ओरछा दिल्ली से 374 किलोमीटर दूर है और आगरा ग्वालियर झांसी होते हुए लगभग 8 आवर्स में आप ओरछा पहुंच जाते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन झांसी 17 किलोमीटर, एयरपोर्ट ग्वालियर 129 किलोमीटर और एयरपोर्ट खजुराहो 169 किलोमीटर है। सड़क का रास्ता भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। रिकैप में आप ओरछा के महत्वपूर्ण स्थान देख रहे हैं। राजा राम मंदिर, रहने के लिए ओरचा पैलेस, राजा महल, जहांगीर महल, लक्ष्मी मंदिर, ओरचा की छतरियां, बेतवा नदी, ओरचा का हेलीपैड, 1000 इयर्स ओल्ड कल्पवृक्ष चतुर्भुज मंदिर, पताली मंदिर, सावन भादो पिल्लर, हरदोल महाराज मंदिर और हरदोल महाराज की समाधि, ओरचा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके अंदर आप बेतवा नदी और जामनी नदी का संगम, वॉच टावर, पंचवटी, शिकार गहा का आनंद उठा सकते हैं। ओरचा के ये महत्वपूर्ण प्लेस आप 2 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। जी सर, छारद्वारी हनुमान मंदिर है। जब यहाँ के बुंदेला शासक जी हनुमान जी को ओरछा लेके जा रहे थे तो रथ आपत्ता यहाँ पे रुक गया, यहाँ से चिगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा ओरछा में पश्चिम दिशा से कोई सुरक्षा का साधन नहीं था। तो ये हनुमान जी पश्चिम दिशा से पूरे ओरछा की सुरक्षा करते हैं। यहाँ से जो राजा राम मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का। जे भगवान राम ने जब हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए गए थे तो वो अंगूठी दी थी, तो उनके पास आज भी है, अपने सीने से लगाए हुए है। अंजन पुत्र पवन सुत नामा, विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन भरणी सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, तेज प्रताप महाजगवंदन, चातुर राम काज कर बे को आतुर, सुन बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रूप धर सिया दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, रूप धरिया सुर संगारे, राम चंद जी के काज संवारे, आए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर अरस और आए, रघुपत कीनी बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भारत सम भाई, कैसे बदन तुम्हें रोजत गावे, अस कहे सिर पत कंठ लगावे, अनिका दुख ब्रह्मा
चाहते उपकार सुखी बैठीना राम मिलाए राजपद दीना मेरो मंत्र भीषण माना लंके सर्व सब जग जाना दुख सहर प्रियो जन पर बारो लीलो ताहे मधुर फल जानो दुआरे तुम रख बारे हो जना गया बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आँख से कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आते रोगी हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे अब पर राम तप सी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ को कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे चारों दुख पर ताप तुम्हारा है पर सिर जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे हस्त से जानकी माता राम रतायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम जी को बावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे काले रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता के हनुमत से सर्व सुख करई जो सुनहे हनुमत बल बीरा गुरुदेव बिहानी पाठ कर कोरे छोटे बंद महाजे सिंध साखी गौरी सा तुलसीदास सदाई तेरा पिए नाच पर मंगला पवन तनय संकट हरे मंगल मूरज रूप राम लखन सीता हृदय बसौ सुर भूयावर राम चंद्र जय हनुमानी महाराज की जय जय सीताराम राजा मधुकर साही की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से और छा लाई अवध नरेश। जो राजा मधुकर साहे थे उनकी तीन रानियां थीं। तीन रानियों में से जो सबसे छोटी रानी थी जिनका नाम था रानी कुंवर गणेश, उनके तीन पुत्र हुए जिनमें से एक जुझार सिंह थे और एक पहाड़ सिंह थे जिनने ये हनुमान जी का मंदिर बनवाया निर्माण किया, और एक छोटे भाई थे जिनका नाम था हरदौल जो रामराजा मंदिर के बगल में बैठे हुए आज भी। तो जब राजा पहाड़ सिंह स्वप्न में सो रहे थे अपने बिस्तर पर, सोते सोते उन्हें स्वप्न हुआ कि गौओं पर कोई अत्याचार कर रहा है, तो पत्रवाहक को बुला कर के कहा कि जाओ तुम जबलपुर के पास एक गौंडमाना है पास में उसी प्रांत उस साइड, तो वहाँ देखा कि वहाँ देख के आओ क्या क्या हो रहा है। देख के आए
और देखने के बाद कहा कि गऊओं पर बहुत अत्याचार हुआ। राजा यहीं आकर के चारद्वारी में आकर के एक समूह बनाया और कि अपन गऊओं को कैसे विजय प्राप्त करें। तो हनुमान जी यहीं आकर के हनुमान जी से सीताराम की धुन लगाई। हनुमान जी नहीं थे यहाँ और जाप करते 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 एक बादल गरजने की आवाज़ आई तो राजा को ऐसा लगा कि हनुमान जी ने स्वीकृति दे दी है कि तुम जाओ वहाँ आपकी विजय होगी। और क्या क्या उधर, तो वहाँ बहुत बड़ा किला बना हुआ था, तो किले बेसमेंट के अंदर हनुमान जी थे। तो प्रेम सच्चा हो तो मूर्ति भी बोलती है। तो राजा को लगा कि हनुमान जी हमसे ये कह रहे हैं कि हमें ओरछा चलना है, मुझे ले चलिए। तो वहाँ हनुमान जी को देख उठा के ले करके रथ में बैठा करके यहाँ तक आ गए। यहाँ आने के बाद भगवान का इतना भारी वजन हो गया, फिर यहाँ से ओरछा नहीं गए। जब ओरछा नहीं गए तो सेनापति से कहा कि जाओ तुम मंदिर का निर्माण करो। मंदिर का निर्माण जो द्वारी बनी है, द्वारी तक तो निर्माण हो गया है, द्वारी के ऊपर जो कार्य निर्माण होता है रात्रि में ठीक 12 बजे छार छार होके अपने आप गिर जाए, इतनी 5 फीट की दीवार अपने आप छार छार होके गिर जाए। तो सेना एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीसरी बार गिरा, तो पूरी सेना राजा के पास गए, राजा पाल सिंह के पास, और कहा कि प्रभु ये तो मैं तो बनाते बनाते थक गया हूँ, लेकिन बनता और रात को बिगड़ जाता। तो राजा पहाड़ सिंह जो हनुमान जी को लेकर के गए थे, वो अपने बिस्तर पर सुबह से उठ कर के 10 बजे दिन में मूछों पर हाथ फेर के कहने लगे कि हम जैसा बलवान राजा और कोई नहीं है। तो हनुमान जी जैसे हनुमान जी अर्जुन का घमंड मिटाते हैं, ऐसी उस राजा का भी घमंड मिटाने के लिए हनुमान जी ने अपना मंदिर को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर वो राजा यहाँ तक आए, साष्टांग प्रणाम किया, कहा कि जब तक आपका मंदिर का निर्माण नहीं होगा जब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ना जल ग्रहण करेंगे ना भोजन करेंगे। ऐसा फिर साष्टांग प्रणाम करने के बाद क्षमा मांगी कि प्रभु मंदिर का निर्माण तो करा दीजिए, मैं कितने दूर से लेके आया हूँ। जब उन्हें अपने भाव को प्रकट किया तो फिर भगवान का मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर बनने लगा, फिर उसका नाम छारद्वारी रखा गया। और फिर छारद्वारी हनुमान जी यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़े, इसलिए नहीं बढ़े कि हनुमान जी ओरछा में राजा के रूप में बैठे हैं, हम यहाँ सेनापति के रूप में बैठे हैं इनकी सुरक्षा के लिए। हाथ में इनको सारे ये ड्राई फ्रूट्स हैं और जी ये किस किस चीज़ों से सजा, काजू बादाम दाख पिस्ता जी सब लग मेवा का 16-17 प्रकार की जो मेवाएँ लगी हैं उसमें भी सब चीज़ें लगी हुई हैं। दाल भी है, हाँ हाँ सब लगी है, साबूदाना है, हाँ हाँ दाल है ना, हाँ जी जी हाँ। अच्छा अंगूठी, श्रीमान जी अंगूठी जो राम लिखा हुआ है, हाँ। राम है लिखा हुआ है, राम के जो श्रृंगार में ढक गया है उसमें राम लिखा हुआ है, बहुत सुंदर अंगूठी बनी हुई है। वो उसी समय की है जब भगवान ने हनुमान जी का चित्रण किया है, जो राम लिखा है ना, राम का जो हार बना हुआ है, हार हाँ जी हाँ। हार में ही दब गया है। जय बावरी सर बुंदेला राजाओं के द्वारा बनाई गई थी, जो पूरे टीकमगढ़ जिले के अंदर 52 बावड़ियाँ बनाई गई थी। एकदम क्लीन है सर पानी, और आप हाथ भी लगाइए, एकदम गर्म रहेगा, देखिए गर्म है एकदम पानी, इतनी सर्दी में भी एकदम। जी सर पूरे ज़िले में 52 बावड़ियाँ हैं। अच्छा हाँ, एक ही रात में बनाई गई थी बुंदेला शासक द्वारा पूरे ज़िले की 52 हाँ 52 बावड़ियाँ जी, जिसमें से जे भी एक प्राचीन बावड़ी उसी में शामिल है। छारद्वारी मंदिर के बिल्कुल पीछे यह बावड़ी बनी हुई है, इस प्राचीन बावड़ी को देखना नहीं भूलिएगा। ये बावड़ी भी अपने आप में एक बहुत महत्व रखती है। यह बावड़ी 2 खंडों में है। इस बावड़ी की लंबाई 35 मीटर चौड़ाई 17 मीटर। प्रथम खंड में आंगन से नीचे उतरने को 9 सीढ़ियां हैं। मध्य भाग में नीचे द्वार है तथा दूसरे खंड में अष्टकोणीय बावड़ी है जिसमें जल भरा है। इसके 2 पार्श्व में मेहराव द्वारा स्तंभों पर आधारित बरांडा है। इसका निर्माण 17वीं शती ईस्वी में हुआ।